हेलो दोस्तों, बीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि भैया आप लोगों से कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि प्रत्येक दिन हिंदी की या और अन्य सब्जेक्ट की कक्षाएं लेकर आएंगे, किसके लिए? पैट के लिए। तो वैसे ही आज हमने हिंदी का टॉपिक उठाया है, कौन सा? संधि। और संधि में से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे बने या जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न थे, तो वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन प्रश्नों की संख्या 10 है, और ये 10 नहीं, इसमें मारने सारे के सारे जितने भी संधि के, चाहे आपका स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर संधि, तीनों सब प्रश्न उठाए हैं। और जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को इसमें रखने का प्रयास करा है। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मेरे भाई, एक एक को ध्यान पूर्वक सुन के और समझ के ही इसका आंसर करेंगे। और साथ के साथ, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं इसके पहले आंसर बताऊंगा, फिर इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर क्यों हुआ। इसलिए भाई वीडियो में अंत तक बने रहें। एक बात और सुन लें पहले ही भैया, ध्यान से देखो, वीडियो बन रही है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना ही कुछ है। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं भैया नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और अधिक से अधिक और अच्छे कंटेंट के साथ, 10 क्वेश्चन है, कल हो सकता है अगले चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन मिले। ठीक है भैया, शुरू करते हैं ज्यादा टाइम समय ना लगाकर। अब देखें, इसमें लगभग ये हमारी वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, इससे ज्यादा की वीडियो है भी नहीं, और उसे करते हैं। देखिए, संधि टॉपिक है आपका, किसमें भैया? हिंदी में, जो आपका पैट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे पैट हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, या आपका एसआई हो, या आपका यूपी टेट हो, यानी कि इनमें से 1 से 2 प्रश्न बनने निश्चित हैं। ये पक्का है कि प्रश्न यहीं से उठेगा, और उठेगा तो भैया हम करेंगे, क्योंकि आज हम सीख लेंगे। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो क्या है कि मनोबल में संधि है। अब रटने वाले विद्यार्थी क्या करते हैं कि बोले डायरेक्टली बोले देखा बोले ओ की मात्रा आई है, और ओ की मात्रा है तो आपकी कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि, ये बता देंगे। लेकिन भाई इसमें कौन सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। इसमें संधि कौन सी होती है? विसर्ग। और विसर्ग संधि क्यों? क्योंकि देखें, जब क्या होता है कि आपका कोई भी, यानी कि संधि पूरे शब्द में, शब्द संधि की सहायता से शब्द बनता है, और जब टूटता है तो कितने शब्दों में टूटता है? 2 शब्दों में। तो दूसरे शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और प्रथम शब्द का, वो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, उन दोनों वर्णों के बीच ही क्या होती है? संधि। तो विसर्ग संधि में आपका एक नियम आता है, जिस नियम का नाम होता है, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या, यानी कि क्या हो? स्वर, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, अजय स्वर होगा, और उसका योग किसका हो रहा हो, यानी कि आपका ओ सा, देखें ओ बनता है, तो ओ किसमें टूटता है? ए और किसमें? ऊ में। तो ए तो आपका ऐसे के ऐसे ही रहता है, और मेरे भाई ऊ का क्या हो जाता है? आपका विसर्ग हो जाता है। जब आप मनोबल को तोड़ोगे तो न में से क्या निकलेगा? आपका ओ, और ओ टूटेगा किसमें? ओ तोड़ा हमने ए और ऊ में, तो ए का ए रहेगा और ऊ का क्या हो जाता है? विसर्ग। तो भाई इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद या विग्रह हो जाएगा आपका मन है धन बल, मन है धन बल, अर्थात संधि कौन सी होगी मेरे भाई? यानी कि विसर्ग संधि। मैं मानता हूं ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। देखिए, दीर्घ तब होती जब क्या ए आ का योग होता, गुण तब होती जब ओ से बनता, जब ए और ऊ में टूटता, यण तब होती जब क्या आपका यह होता या वह होता या फिर आपका क्या र होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि ज्ञानोपदेश में संधि है। भाई ज्ञानोपदेश में संधि है, अब की बार क्या सोचेंगे कि बोले सर पहले वाले में ओ हुआ है तो अब की बार भी ओ है, तो अब की बार भी मैं कौन सी संधि लगा दूं? लेकिन क्या विसर्ग? विसर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब भाई कौन सी है? जब ओ आया है तो ओ किस में टूटेगा? अब की बार ए और ऊ में, और ए और ऊ में टूटेगा तो ए तो चला जाएगा किसके साथ? ज्ञान के साथ, और भैया ऊ से क्या बन जाएगा? आपका उपदेश। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा? ज्ञान धन उपदेश। ज्ञान धन क्या हो जाएगा? उपदेश। ए और ऊ का योग हुआ,
जब ए या ऊ का या ए या ई का योग होता है तब हमारी कौन सी संधि होती है, आपकी गुण संधि होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल में संधि है। देखिए उज्ज्वल जो होता है आपका, इसमें आपका कौन सी, पहली बात तो संधि आपकी, देखें कुछ लोग सोचेंगे बोले जी जय है, जय को हटाने के बाद जय कर दें तब क्या उच्च धन क्या हो जाएगा, ज्वल हो जाएगा। लेकिन भैया यह शब्द आपका किसमें पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, तो इसका जो विच्छेद विग्रह होता है वो क्या होता है आपका, उत धन ज्वल। उत धन क्या होता है, ज्वल, जिसमें कौन सी संधि हो आपकी हुई, आपकी व्यंजन संधि। इसका आंसर कौन सा लगेगा, सी। नियम भी बता दूं कौन सा होता है इसमें, व्यंजन संधि का नियम आता है यदि आधा तय या आधा दय का योग किससे हो जाए, जय या किससे, जय से, तो या तय या दय किसमें आदेश हो जाते हैं आपके, तय या दय आदेश हो जाते हैं किसमें, जय में। तो आपको जय के बाद क्या मिल सकता है, जय, या फिर आपको जय के बाद क्या मिल सकता है भाई, जय। तो जय के स्थान पर क्या हो जाता है, तय या दय, तो भाई जय के स्थान पर क्या हो गया, उत, और आगे क्या बचा, ज्वल। तो इस प्रकार संधि कौन सी हो गई आपकी, व्यंजन संधि। अब देखें इसके बाद अगला जो आता है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है संधि कितने प्रकार से होती है, भाई तुरंत आंसर बता देंगे कि कितनी होती है, तीन। लेकिन भैया ये आंसर क्या है आपका, गलत है। प्रश्न ने पूछा है कि संधि कितने प्रकार से होती है, की नहीं, अगर की होगा मैं आपकी बात से सहमत होता कि आंसर तीन लगता, लेकिन उसने पूछा संधि कितने प्रकार से होती है। तो आप लोगों को पता है देखे कितने प्रकार से होगी भैया, जो जिन लोगों ने ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा है वो बता सकते हैं कितने प्रकार से होती है भैया, छह प्रकार से होती है। और वो कैसे होती है, देखिए संधि जो होती है दो वर्णों के मेल से होती है भाई, किससे, दो वर्णों के मेल से। और वो वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक क्या होता है आपका, व्यंजन। और उसके साथ एक भेद और आ जाता है जो आप अयोग भाव में से पढ़ते हैं, उसका नाम होता है क्या, विसर्ग। और जब विसर्ग होता है तो एक कंडीशन बनती है कि स्वर का योग किससे हो सकता है, कि स्वर से। कहने का मतलब यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो। अगली चीज कि अगली कंडीशन, ये वाला वर्ण स्वर है और ये वाला वर्ण क्या है आपका, व्यंजन है। ये वाला वर्ण क्या हो सकता है कि व्यंजन हो, और ये वाला वर्ण क्या हो भाई आपका, स्वर हो। अगली कंडीशन क्या कि ये वाला वर्ण भी आपका व्यंजन हो और दो अगला वाला वर्ण भी क्या हो, व्यंजन हो। इसके बाद अगली कंडीशन क्या बनती है कि ये वाला वर्ण क्या हो आपका, पहला वाला विसर्ग, और भैया ये वाला वर्ण क्या हो आपका, स्वर हो। इसके अगली कंडीशन क्या बन सकती है कि पहला व पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो आपका, व्यंजन। भाई कितने प्रकार हुए, ये आपके छह प्रकार हुए। तो यानी कि कितने प्रकार से हो सकती है, छह प्रकार से। और जो आंसर आप लोग लगा रहे थे भाई, वो स्वर और स्वर संधि मिलकर किस संधि का निर्माण करते हैं, स्वर संधि का। स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, या व्यंजन, व्यंजन किस संधि का निर्माण करते हैं, व्यंजन का। और विसर्ग और स्वर, और विसर्ग और व्यंजन से किसका निर्माण होता है, किस संधि का, विसर्ग संधि का। तो इस प्रकार संधि हो कितने प्रकार की जाती है, तीन प्रकार की। लेकिन भाई कितने प्रकार से होती है, तो वो कितने प्रकार से होती है, छह प्रकार से होती है। बात क्लियर हो गई होगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, याद रखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बोले सर एक कंडीशन और भी तो बन सकती थी कि स्वर के, यानी कि स्वर के बाद विसर्ग होता, तो उसे बता दूं। एक मिनट समझ लें भैया, देखें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भैया, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। कभी ये सोचो कि टेस्ट में पता ना कहां से संधि पढ़ाने लगे, तो भैया संधि नहीं पढ़ा रहे। यानी कि मैं इस चीज को समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके का प्रश्न और भी बन सकता है। क्वेश्चन ये 10 नहीं है, इन क्वेश्चनों से कम आपके 40-50 क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा। देखें जो आप कह रहे थे कि बोले जी एक कंडीशन ये भी बन सकती थी कि स्वर का योग किससे हो जाए, आपका विसर्ग से हो जाए। ये भाई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था, ये दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण था, प्रथम। क्या आपने भैया ऐसे मन है, तब तो ये बात सही है, शब्द के अंत में विसर्ग लगता है। इसका मतलब तो ये है आप किसी शब्द से पहले मान लिया क्या लिख दिया, यानी कि विसर्ग लगाकर क्या लिख दिया, तब क्या किसी शब्द से पहले आपने कभी विसर्ग लगा हुआ देखा है भाई, नहीं देखा, तो इसलिए ये वाली कंडीशन आपकी नहीं बनती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर
चार क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और कितने होते हैं संधि के, संधि कितने प्रकार से होती है तो छह, और संधि कितने प्रकार की होती है तो तीन। अगला क्वेश्चन नंबर पांच, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए संस्कृत शब्द का भाई अनुस्वार के स्थान पर क्या बनता है, मैं। नियम होता है यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर रहित मैं, और उसका योग किससे हो रहा हो, क्रय धातु से बने शब्द से, ठीक है। यानी किसका, यदि किसी यानी कि सम उपसर्ग हो और सम उपसर्ग का योग किससे हो, क्रय धातु से बने शब्द से, तो मैं का तो क्या हो जाता है अनुस्वार, और क्रय धातु और इसके मध्य स आधे स का क्या हो जाता है मेरे भाई, आगमन हो जाता है। तो जब इस शब्द को आप तोड़ोगे तो भाई शब्द को बनाने का नियम होता है, कभी भी तोड़ने का नियम नहीं होता। अब यहां आप इसे तोड़ रहे हैं तो भाई स का क्या कराना पड़ेगा, लोप, और अनुस्वार के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, मैं। तो देखें आपका कौन सा, कुछ लोग समधन संस्कृत लगाओगे, कुछ समधन कृत, और क्या एक इसका ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, डी, क्योंकि भाई मैं कैसा रहेगा इसमें, स्वर रहित और उसके बाद क्या आएगा, कृत। कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भैया इसका मतलब क्या है कि इसमें ए स्वर है, लेकिन इसमें इसका मतलब है कि यह स्वर रहित मैं है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है। अगला भाई क्लियर हुई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छह, कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखें किस शब्द की संधि सही नहीं है, मतलब कह रहा है ये कुछ शब्द दिए हैं और इन शब्दों में से पूछना चाह रहा है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। देख लो भैया, पहला है परिधान इच्छा, तो इससे क्या बना आपका, परीक्षा। अगला है अभिधान इष्ट, तो क्या हो गया, अभिष्ट। अगला है वसुधा एवं ए, तो क्या हो गया, वसुधे। एक है विधान अर्थ, तो क्या हो गया, व्याप्त। तो देखो इसका आंसर तो अगर आप डायरेक्टली पूछना चाहें मुझसे तो कौन सा है, ए, मतलब सही कौन सी नहीं है, ए। वो क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इच्छा जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर ये सही कैसे है भैया, ई और ई मिलकर, यानी कि क्या करेंगे आपका ई और ई कर भैया ये थोड़ा सा गलत लिखा गया ऑप्शन, ठीक है, इसे मैं ठीक कर देता हूं। ये अभिष्ट जो है इसमें भाई कौन सी मात्रा बनेगी आपकी, इसमें मात्रा बनेगी आपकी बड़ी ई की, ठीक है, क्योंकि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना देंगे, बड़ी। तो क्या हो गया, अभिष्ट। वसुधा है तो आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे आपका, आ और ए मिलकर बड़ा ए, तो ध के ऊपर क्या जाएगा, बड़ा ए, उसके बाद क्या है, वे, तो भाई ये भी ठीक है। व्याप्त में कौन सी आपकी, यण स्व संधि का नियम लगता है, क्या छोटी ई या बड़ी ई का योग नो ए समान स्वर से हो जाए तो नो ए समान स्वर क्या आएगा आपका, आ, तो इसके स्थान पर क्या बन जाता है, वे, तो वे आधा, इसके स्थान पर बना क्या बना, या, और आगे आ, आधा पै और क्या, तय। भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भाई कौन सा ठीक नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्लियर है ये पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन आपके। इसके बाद सातवां क्वेश्चन लेते हैं, सातवां, अच्छा सीलर गलत हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कौन सा डाल लें, सातवां, और ये कौन सा हो जाएगा आपका आठवां, और ये कौन सा हो जाएगा नवां, और ये कौन सा आपका दसवां है, और ये कौन सा है भैया ग्यारहवां प्रश्न है। कोई दिक्कत ना भैया, तुम्हारा तो फायदा ही हो गया, एक क्वेश्चन ज्यादा मिल गया, मैं तो दस के टारगेट को समझ रहा था। चलो कोई नहीं, आगे दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। देखो दिग्गज आपका, दिग्गज है एक नियम आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या, देखो जब भी आपके चैनल पे कुछ वीडियो हैं संधि की तो उसमें भी बताया था कि यदि प्रथम शब्द का यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका योग किससे हो जाए, सघोष वर्ण से, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में आदेश हो जाता, तीसरे में। तो भाई नियम के विपरीत चलते हैं जब क्या हम शब्द को तोड़ते हैं। अब भाई यहां से शब्दों को तोड़ा ही तो है, शब्द को ऐसे दिग्गज को तोड़ा ही तो है, तो भाई तीसरे के बाद सघोष मिलेगा। सघोष में कौन कौन से आते हैं आपके, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, और कौन सा आता है, पांचवां वर्ण, तथा ये, रे, ले, वे, और एक क्या होता है, और क्या आते हैं आपके सभी स्वर, ये क्या होते हैं, सैगो। लेकिन इस नियम में पांचवें को छोड़ देते हैं, तो पांचवें का इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे समझ लें कि दिक्कत है गै कै वर्ग का कौन सा है, तीसरा, गै भी कौन सा है, तीसरा, कि तीसरे के बाद कौन सा मिला भाई, तीसरा मिला, तो पहले वाले तीसरे को किसमें कर दो, पहले में, तो गै किस वर्ग का था,
भाई क्या वर्क का था। और जब गया आधा है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि आप इसे पूरा कर सको, इसे भी क्या रखोगे, आधा रखोगे। और आधा रखोगे तो कौन सा है आधा, दिक्कत धन क्या हो गया आपका, गज हो गया। ऑप्शन भाई बहुत सारे लोग ए भी लगाएंगे, लेकिन ए भाई बिल्कुल ही गलत है। और दिग गज भाई इसमें तो कोई संधि नहीं हुई, इसमें संयोग है, दी धन गज किसी नियम से कहीं तक बनता ही नहीं है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिये क्वेश्चन नंबर 8 आपका, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से छांटना है। जैसे आपका क्वेश्चन है राजेंद्र, तो राजेंद्र को तोड़ेंगे तो इसमें क्या टूटेगा आपका, राज धन इंद्र या राजा धन इंद्र। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें कौन सी आपकी गुण स्वर संधि, सदैव में कौन सी आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा नियम, नियम में भाई कोई संधि होती नहीं है। चतुष्फलक है तो स के स्थान पर क्या आ जाता है आपका विसर्ग आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा चतुधन फलक, चतुधन फलक अर्थात जस के चार फलक है। ठीक, तो इसका मतलब भाई कौन सा लगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताएं। कुछ लोगों ने समझा होगा या पढ़ा होगा आज तक कि बोले जी बोले संधि विच्छेद जो होता है वो ज्यादातर दो ही शब्दों में टूटता है, लेकिन कुछ लोग आज पहली बार तीन शब्दों में टूटा हुआ देख रहे होंगे, तो मेरी बात समझे भैया। इस सच्चिदानंद जो शब्द है आपका, तो इस सच्चिदानंद में भैया कितने नियम लगेंगे, दो नियम लगेंगे। और दो नियम में से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जाऊंगा कि दो नियम में से एक नियम आपका इसमें किसका स्वर संधि का लगता है और एक किसका लगता है व्यंजन संधि का। तो बोले जी अगर ऑप्शन में सच्चिदानंद आ जाए और क्वेश्चन आ जाए कि सच्चिदानंद और ऑप्शन में हमें भैया कौन सी स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों लिखी हुई आ जाए, तब हम कौन सी लगाएंगे उसका भी तोड़ करेंगे। अभी देखो क्या होता है, पहले इसका विच्छेद विग्रह तो देख ले भाई। तो देखो इसमें च है, च के बाद क्या है च, तो वैसे ही नियम है जैसे क्या आधा तय हो या आधा दय हो, उसका योग किससे हो जाए च या छ से, तो तय या दय किसमें आदेश हो जाते हैं आधे च में, भाई च के साथ च मिल सकता, तो इसमें च के स्थान पर क्या तय या दय में से कोई सा करोगे तो इसका क्या हो जाएगा सत, भाई च आधा तो तय भी कैसा आधा, उसके बाद में क्या है दय, इसके बाद क्या है दय, यानी कि क्या हो गया यानी कि चित होगा या चिद होगा, आप बताएं क्या होगा, दय है, दय वर्ग का कौन सा है, दय वर्ग का कौन सा है तीसरा, किस वर्ग का तय का, तो भाई आपने दय के स्थान पर क्या कर दिया तय, इसके दय में से क्या निकलना था आ, फिर क्या है नन, तो यहां किसका भाई ए और आ मिलकर क्या बना रहे हैं आ, यहां किसका प्रयोग कर दिया मतलब इसमें से ए और आ मिलकर क्या बना रहे हैं आ, तो यहां कौन सी हो गई दीर्घ स्वर संधि, इन दोनों के बीच कौन सी हो गई व्यंजन संधि, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हुआ सी हुआ भाई। लेकिन अगर बोले अब आपके मन में डाउट होगा कि बोले जी इसे हम दीर्घ स्वर संधि से करें या फिर हम इसे व्यंजन संधि से करें, तो देखें जहां से कोई भी शब्द पहले, पहले का मतलब शुरुआत में जिस संधि की सहायता से टूटता है उसी संधि के अनुसार हम क्या आंसर देते हैं। इसे सबसे पहले किसके अनुसार टूटा है व्यंजन संधि के, तो आंसर कौन सा लगाएंगे व्यंजन संधि, अगर ये टूट जाता किससे दीर्घ स्वर संधि से तो हम आंसर लगाते दीर्घ स्वर संधि। मेरी बात क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 10, भैया वीडियो अच्छी लग रही हो तो भेज जरूर देना और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वही मेहनत है, देख रहे हो पसीना आ रहा, चल रहा काम सही। और तुम्हें पता ही है सुबह से लेकर शाम तक ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर शाम को आपके पेट की वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है, और देख लो टाइम भी कितना हो गया, किस टाइम वीडियो डल रही है। ठीक है भैया, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को और शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो जितने लोग देखें भैया लाइक जरूर करें, तभी तो पता चलेगा हमारा कंटेंट अच्छा है या नहीं है। अगर आप देख के ऐसे कर रहे हो तो भैया फिर चोरी कर रहे हो, तो चोरी तो तुम करते ही नहीं हमें पता है, करोगे भैया इस काम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है, सतधन शास्त्र से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब शब्द का निर्माण करना है आपका, अभी तक आपने तोड़ना सीखा, आप क्या करोगे जोड़ना, प्रश्न इस प्रकार भी बनेगा। तो प्रश्न बना सतधन शास्त्र से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखो कुछ लोग क्या सतशास्त्र, अगला क्या सच शास्त्र,
अगला क्या है सच्छास्त्र, अगला क्या है सचशास्त्र। तो भैया इसमें क्या एक नियम आता है मेरे भाई, कौन सा कि क्या नियम होता है, देखिए थोड़ा सा स्पेस करके और मैं उस नियम को भी समझाना चाहूंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य सा भी होगा, क्या वास्तव में ऐसा है? हाँ भैया ऐसा ही है। देखो जो आपका सच्छास्त्र ये क्या है, देखो एक होता है नियम आपका किसका, यानी कि तय आधा तय या आधा दय का योग किससे हो जाए आपका सह से, तो तय और दय तो आदेश होते हैं किसमें छह में, और सह आदेश होता है किसमें आपका छह में, कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका चछ बनता है। तो जब भी आपका ये नियम के अनुसार चल के ये चीज बनेगी, और ये चीज बनेगी तो भाई तय है, तो भाई तय के स्थान पर तो क्या कर दो आप भाई छह कर दो, या तय आधा तो छह भी आधा, सह के स्थान पर क्या कर दो आप छह कर दो। अब छो ये है तो भाई यहां से तय कटेगा, यहां से क्या कटेगा सह कटेगा, तो सह आधा छह छह और आधा सह और क्या त्रय, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। बात समझ आई या ना आई? मतलब नियम के अनुसार चले तय या दय के स्थान पर क्या करते हैं छह, तो तय के स्थान पर क्या कर दिया भाई छह कर दिया, सह के स्थान पर क्या करते हैं छह, तो सह के स्थान पर क्या कर दिया छह। अबे जब एक बार बताओ भाई, या तो दो गुणा दो बराबर चार लिख लो, या तो ये वाला भाग लिख लो, या ये वाला भाग तो एक ही है, तो जब इसे लिखोगे तो ये कटेगा, इसे लिखोगे तो भैया अगर इसे लिखोगे तो ये कटेगा, तो मतलब कोई सा एक ही तो रहेगा भाई, तय के स्थान पर छह रख दिया तो भाई तय तो कटेगा, सह के स्थान पर छह रख दिया तो सह तो कटेगा, लेकिन आका डंडा थोड़ी काटता है, आका डंडा तो रहेगा भाई, तो सह आधा छह छह में आ छा आधा सह और क्या त्रय, तो क्या हो गया भाई सच्छास्त्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे समझे बड़े ध्यान पूर्वक, क्वेश्चन आसान भी है क्वेश्चन कठिन भी है। एक धन एक से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब शब्द का निर्माण पूछना चाह रहा है मेरे भाई। इसमें भी आपने देखा कैमे से क्या निकलेगा भाई, बोले जी ए निकलेगा, इधर क्या है ए, ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं आपका अए, ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं अए, और जो लोग रटने वाले हैं ना बोले एक धन एक एक अकेक 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 ऐसा करेंगे, अब वो अकेक में क्यों भी आ गया अकेक आ गया भाई, एक धन एक, कुछ लोग ऐसे जोड़ देंगे डायरेक्ट कोई सिस्टम ही ना, बोले हाँ चिपका दो बस काम खत्म, तो भैया ये कैसा हो जाएगा भैया संयोग है, इसमें क्या एक धन एक अकेक क्या ऐसा है, अब भाई ए और ए मिलकर क्या ए ही बनाएंगे, मेरे भाई अए बनाएंगे, अए क्या बनाएंगे बड़ा ए, तो वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, और कुछ एको एक एको एकोक सॉरी एकोक एकोक बनाएंगे, अब भाई ये तो है ही ना कहीं से कहीं तक, अब तो इसका मतलब तो ये हो गया ए और ए मिलकर ओ बना रहे हो आप, ओ तो बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सी। भाई प्रयास करा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, रट लो याद कर लो चाहे कैसे भी कर लो, बहरहाल इन प्रश्नों को समझ लो, ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भैया करते रहो, वीडियो मिलती रहेंगी, आप करना बंद कर देंगे तो भैया एक बार बताओ पसीने में देगा कितना चूर्या, कोई लाभ है फिर नहीं है बिल्कुल, ठीक है मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।